रस्सी तक नहीं पहुंच सकते। आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम दोनों को तो मैं। ये क्या हो रहा है? वो देखो, सब लोग किसी चीज के नीचे छुप जाओ। ये पत्थर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। ये लो भीम। नहीं भरता। और फिर इन्हें खाने से ताकत भी तो मिलती है। भीम इतने लड्डू खाता है, इसीलिए तो वो सबसे ताकतवर है। वो क्यों? मैं क्यों नहीं? अरे राजू, तुम भी सबसे ज्यादा ताकतवर हो। इस राजू में कौन सी ताकत है? तुम सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ मैं। हाँ, उस्ताद से ज्यादा ताकत और किसी में नहीं है। कितनी बार तो भीम तुम्हें कुश्ती में हरा चुका है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा ताकत है। गए ना मेरे जाल में। अगर हम यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम भी अपनी ही जाल में फंस चुकी हो। मैं यहाँ फंसी हूँ पर मेरा भाई बर्फीला दानव अब तक ढोलकपुर की कुल्फी जमा चुका होगा। बर्फीला दानव? यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। वो देखो, उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुँचना होगा। मैं इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। भीम, तुम्हारे वार का इस बर्फ पर कोई असर नहीं होगा। ये लो इस ढाल से तुम बर्फीले दानों का जादू उसी पर पलट सकते हो। अब जाओ और रक्षा करो ढोलकपुर की। आओ भीम, आओ, मैं तुम्हारा
तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया, हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। भीम, 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 भीम। सावधान, होशियार, ढोलकपुर के महाराज इंद्र वर्मा मेले में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। कौन हो तुम? मेरा नाम हाकम है और मैं रेत की घड़ी बनाने वाला व्यापारी हूँ। आपके लिए मैं ये सबसे शानदार घड़ी तोहफे में लाया हूँ। हमें आपका तोहफा बहुत पसंद आया। अब आएगी ढोलकपुर पर मुसीबत की घड़ी। आसमान से रेत की बारिश हो रही है। आसमान से रेत तब तक बरसेगी जब तक ढोलकपुर भी रेत में धस नहीं जाता। हर राज्य को मैं अपनी घड़ियों में कैद कर लूंगा, फिर तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एक लकड़ी के हथौड़े से मेरी घड़ी का कांच टूटने वाला नहीं है भीम। अब तुम सबको कोई नहीं बता सकता। थोड़ी देर पहले तो झूला झूलना भी तुम्हारी शान के खिलाफ था और अब डर के मारे भाग रहे हो। झूला, एक लकड़ी का हथौड़ा इस कांच को नहीं तोड़ सकता, पर मुझे यकीन है कि उतना बड़ा झूला इस कांच को जरूर तोड़ देगा। झूला तो मिट्टी में अंदर तक धस चुका है। पर झूले को घुमाकर उसके नीचे की सारी मिट्टी हटाई जा सकती है। ठीक कहा चुटकी। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और बंद कर दो काल कोठरी में। ये
लड्डू का शौकी।